हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू ट्यूटलेज एकेडमी। गुजरात स्टेट इलेक्ट्रिसिटी कॉरपोरेशन लिमिटेड में एक बहुत बड़ी वैकेंसी आई हुई है जो कि मैकेनिकल और इलेक्ट्रिकल के लिए ये बेस्ट अपॉर्चुनिटी है। अगर आप डिप्लोमा किए हैं या बीए बीटेक किए हैं, दोनों के लिए ही बेस्ट अपॉर्चुनिटी है। सेपरेट फॉर्म निकला हुआ है, तो अगर आप एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया फुलफिल करते हैं तो इस फॉर्म को ज़रूर फिल करें। तो इसके बारे में चलिए आपको बताते हैं डिटेल कि इसका सिलेबस क्या है, एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या है। तो सारा चीज़ डिटेल में बात करते हैं। तो देखिए, सबसे पहले देखते हैं कि जो रिक्रूटमेंट आई हुई है विद्युत सहायक प्लांट अटेंडेंट ग्रेड 1 का। इसमें डिप्लोमा एलिजिबल है। तो जो डिप्लोमा होल्डर कैंडिडेट है विद्युत सहायक प्लांट अटेंडेंट का निकला हुआ है मैकेनिकल, जो 69 पोस्ट है, और 69 पोस्ट बहुत ज़्यादा पोस्ट है। इसमें फुल टाइम डिप्लोमा चाहिए मैकेनिकल के लिए, जो कि रेगुलर होना चाहिए और अप्रूव होना चाहिए UGC AICT से, और 5th ऑफ 6th सेमेस्टर में, यानी लास्ट ईयर में आपका मिनिमम जो है 55% रिजल्ट होना चाहिए, तो इस फॉर्म को अप्लाई कर सकते हैं। वहीं देखेंगे इलेक्ट्रिकल के लिए जो है, इलेक्ट्रिकल के लिए 50 सीट है, इसमें भी फुल टाइम इलेक्ट्रिकल से डिप्लोमा चाहिए और 55% चाहिए टोटल। तो टोटल वैकेंसी देखिए 119 है। तो ये जो डिप्लोमा के लिए है, तो इसमें देखिए लिखा है बी बी टेक डिग्री होल्डर बीइंग ओवर क्वालिफाइड नीड नॉट टू अप्लाई। मतलब बी बी टेक अगर हैं तो ये अप्लाई नहीं कर सकते। और तो बी बी टेक वाले क्या अप्लाई कर सकते हैं, उनके लिए सेम दूसरा भी फॉर्म निकला हुआ है, तो उस फॉर्म पे भी आपको एक बार लेकर चलते हैं और वहाँ पे दिखाते हैं। तो नेक्स्ट देखेंगे यहाँ पे जो रिक्रूटमेंट आई है, ये भी वही है गुजरात स्टेट इलेक्ट्रिसिटी। अब एक ही फॉर्म में वो बोल सकता था कि बी बी टेक के लिए ये चीज़ें हैं रिक्वायरमेंट, एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया, डिप्लोमा के लिए ये, लेकिन अलग अलग इसकी वैकेंसी निकली हुई है, जो कि इसका नोटिफिकेशन अलग है, रिक्रूटमेंट ऑफ विद्युत सहायक जूनियर इंजीनियर। जूनियर इंजीनियर के लिए जो वैकेंसी आई है, इसमें भी देख लीजिए इलेक्ट्रिकल के लिए 45 सीट है, 45 सीट है, बहुत ज़्यादा सीट है। फुल टाइम इसमें बी बी टेक चाहिए इलेक्ट्रिकल से, जो कि AICT UGC से अप्रूव होना चाहिए, और 8th सेमेस्टर में आपका 55%, 7th और 8th सेमेस्टर में यानी लास्ट ईयर में आपका 55% मार्क्स इसमें भी होना चाहिए, और विदाउट ATKT। मतलब कोई ऐसा होता है जैसे आपका पेपर रुका हुआ हो और फिर से पास किया हो, तो वो नहीं चाहिए, आपका एक ही बार में क्लियर चाहिए, ऑल क्लियर। उसके बाद देखिए मैकेनिकल का वैकेंसी है, इसमें 55 वैकेंसी है बी बी टेक, तो इसमें डिप्लोमा कैंडिडेट अप्लाई नहीं कर सकते और डिप्लोमा वाले में बी बी टेक वाले अप्लाई नहीं कर सकते। तो दोनों के लिए बेस्ट अपॉर्चुनिटी है। सबसे ज़्यादा बेस्ट अपॉर्चुनिटी अगर बताऊँ तो मैकेनिकल से अगर आप डिप्लोमा किए हैं तो डिप्लोमा से फॉर्म अप्लाई कीजिए, ज़्यादा अच्छा है और सीट भी ज़्यादा है और कंपटीशन कम है। तो यहाँ भी एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया जो है सेम है, और जूनियर इंस्ट्रूमेंटेशन कंट्रोल है उनके लिए भी 19 सीट है, और इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन के लिए भी 10 सीट है, सेम क्राइटेरिया है, और मेटलर्जी के लिए सिर्फ 1 सीट है। बाकी एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया जो है क्वालिफिकेशन को छोड़ के बाकी सब कुछ सेम है। तो चलते हैं आगे का चीज़ें जो है, क्या सिलेबस है, वो सारी चीज़ें पे डिस्कस करते हैं। तो यहाँ पे देखिए डिप्लोमा के लिए जो अटेंडेंट का वैकेंसी आया है उसके बारे में बात करते हैं कि फिक्स रेमुनरेशन जो है, फिक्स सैलरी आपकी रहेगी 5 साल तक, उसके बाद ही जब परमानेंट होगा, हो सकता है या नहीं भी हो सकता है, बट होता है, 99% चांसेस से हो जाएगा जब ऐसा लिखा है तो। तो 5 ईयर तक आपको इस तरह से स्टाइपन मिलेगा, एक रेमुनरेशन सैलरी मिलेगा, स्टाइपन नहीं बोल सकते, सैलरी है, रेमुनरेशन है, 17,500 फर्स्ट ईयर में मिलेगा, सेकेंड ईयर में 19,000 मिलेगा, एंड थर्ड ईयर से लेकर 5th ईयर तक 20,500 मिलेगा। इसके अलावा कुछ भी अलाउंसेस या एडिशनल चीज़ें जो है वो आपको नहीं मिलने वाला है। एज क्राइटेरिया की बात करें तो अनरिजर्व कैटेगरी जनरल जो है 35 ईयर्स है। तो अगर आप गुजरात से नहीं होंगे, गुजरात स्टेट से बाहर के हैं, तो आप अनरिजर्व कैटेगरी में या कोई भी कैटेगरी हो तो अनरिजर्व में ही अप्लाई करेंगे। सिर्फ एससी एसटी ओबीसी जो रिजर्व कैटेगरी है या PWD, वो सिर्फ गुजरात जो कैंडिडेट है, गुजरात डोमिसाइल है, वही स्टूडेंट अप्लाई कर सकते हैं। और रिजर्व का लिखा है रिजर्व एंड EWS कैटेगरी जो है 40 ईयर्स इनका एज क्राइटेरिया है। उसी तरह देखिए फीमेल कैंडिडेट के लिए 5 ईयर एज रिलैक्सेशन है, और PWD के लिए 10 ईयर से, लेकिन गुजरात डोमिसाइल होना चाहिए उनके लिए ही है, बाकी आप जनरल कैटेगरी से अप्लाई कर सकते हैं।
तो देखिए ये रोस्टर रिजर्वेशन दिया गया है, मतलब अलग अलग करके एससी एसटी के लिए कितना है, ओबीसी ईडब्ल्यूएस के लिए कितना है, अनरिजर्व के लिए कितना है। तो यहाँ पे अनरिजर्व कैटेगरी की बात करें तो मेल के लिए 39 और फीमेल के लिए 15 सीट है यहाँ पे, ओके, आउट ऑफ 169 पोस्ट। ठीक, 500 फी है जो कि आप फिल करके अनरिजर्व और ईडब्ल्यूएस के लिए, जो कि आप 250 जो है रिजर्व कैटेगरी के लिए, तो आप अप्लाई कर सकते हैं इस फॉर्म को। ऑनलाइन मोड में अप्लाई करना है, डेबिट कार्ड या क्रेडिट कार्ड से अप्लाई कर सकते हैं, जो कि 25 तारीख से ही स्टार्ट हो चुका है फॉर्म भरना। थोड़ा मैं लेट बता रहा हूँ, ओके, तो आप लोग इसका प्रिपरेशन अच्छे से कीजिए, पहले फॉर्म फिल कर दीजिए, नहीं किए होंगे तो उसके बाद प्रिपरेशन अच्छे से कीजिए। और लास्ट डेट जो है वो 14 सितंबर है, तो उसके पहले फॉर्म फिल हो जाना चाहिए। ओके, यहाँ पे देख सकते हैं आप, आपको क्या करना है, साइट पे जाना है www.gsecl.in, इस वेबसाइट पे जाना है और लॉगिन करना है। 25 तारीख से ही फॉर्म भरना स्टार्ट हो चुका है और 14 सितंबर तक, 14 सितंबर तक आप ऑनलाइन मोड में अप्लाई फॉर्म को कर सकते हैं। ओके, देखिए इसका एग्ज़ाम जो पैटर्न है, जो ऑनलाइन एग्ज़ाम होगा, ठीक है, और उसमें देखिए सिलेबस में क्या है, सेक्शन 1 टू सेक्शन 5 दिया है, गुजराती लैंग्वेज एंड ग्रामर जो है वो 10% आपको रहेगा। अगर आपको गुजराती नहीं आती है तो भी दे सकते हैं, वो चीज़ों को आप छोड़ सकते हैं, क्योंकि ऐसे लिखा है कि जो गुजरात डोमिसाइल कैंडिडेट हैं उनके लिए 85% सीट रिजर्व है। इसका मतलब है कि 15% जो सीट है वो अदर देन गुजरात के भी, जो गुजरात से आउटसाइड कैंडिडेट है वो भी अप्लाई कर सकते हैं। तो मतलब आपको गुजराती लैंग्वेज नहीं आती है, ग्रामर नहीं आती है, तो 10% का आपका नुकसान होगा, बट आप फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं। 15% आप लोगों के लिए भी, अदर स्टेट के लिए भी सीट है। जनरल नॉलेज 10% रहेगा और इंग्लिश नॉलेज जो है 10%, ये भी कंप्यूटर नॉलेज 10%, और आपका जो सिलेबस सब्जेक्ट रहेगा, जैसे आप मैकेनिकल से हैं तो 60% मैकेनिकल का रहेगा, या इलेक्ट्रिकल से थे तो 60% इलेक्ट्रिकल के का क्वेश्चन रहेगा। तो इसी टाइप से आप नॉन टेक्निकल टेक्निकल का अधिकतर आप प्रिपरेशन करते हैं, बाकी गुजराती लैंग्वेज जो अदर स्टेट के हैं कैंडिडेट उनको नहीं आता होगा, तो कोई टेंशन नहीं है, आप जनरल कैटेगरी से अप्लाई करेंगे, 15% सीट जो है आप लोगों के लिए भी रिजर्व है। अब बात कर लेते हैं देखिए सिलेबस का, तो सिलेबस देखिए मैकेनिकल स्ट्रीम के सिलेबस जो है, मैकेनिक्स, थ्योरी ऑफ मशीन, स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल, मैकेनिकल मेजरमेंट एंड इंस्ट्रूमेंट, न्यूमेटिक एंड हाइड्रोलिक, ठीक है, प्रोडक्शन डिजाइन, इंजीनियरिंग ड्राइंग डिजाइन कैलकुलेशन, मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस है, ड्रिलिंग मिलिंग बोलिंग, मैन्युफैक्चरिंग टेक्नोलॉजी, मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस, हीट एंड सरफेस ट्रीटमेंट, हीट एंड मास ट्रांसफर, मेट्रोलॉजी मेजरमेंट, टॉलरेंस लिमिट्स एंड फिट, थर्मल इंजीनियरिंग, पावर प्लांट इंजीनियरिंग। तो ये सारे चीज़ें हैं आपके सिलेबस में, जो कि आप जो भी सिलेबस पढ़ते हैं मैकेनिकल का वो सेम ही सिलेबस है, मतलब 90% सेम है, कुछ चीज़ें अलग हैं। कुछ चीज़ें अलग क्या है, मैकेनिकल मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट जो है, खैर ये भी आप पढ़ते हैं, ठीक है, और न्यूमेटिक एंड हाइड्रोलिक जो है, हाइड्रोलिक पढ़ते हैं आप, न्यूमेटिक नहीं पढ़ते हैं, तो न्यूमेटिक भी इसमें पढ़ना होगा। और इंजीनियरिंग ड्राइंग जो है वो आप कॉलेज में पढ़े होंगे बट कम्पिटेटिव एग्जाम में नहीं पढ़ते हैं, तो इंजीनियरिंग डिजाइन और डिजाइन कैलकुलेशन यहाँ से कुछ क्वेश्चन आएगा, तो ये तो मान लीजिए MD से कुछ कवर हो जाएगा मशीन डिजाइन से, और बाकी इंजीनियरिंग ड्राइंग थोड़ा सा आपको पढ़ना पड़ेगा। तो ये मान सकते हैं कि 90% सिलेबस सेम ही है। और ट्यूटलेज एकेडमी एप्लीकेशन पे, जो हमारे एप्लीकेशन पे जो कोर्स है मैकेनिकल इंजीनियरिंग का, वो यही सब सेम है, मतलब इससे ज़्यादा है, बट इस सिलेबस से 90% सिलेबस मैच करता है, कुछ एक दो टॉपिक जो है वो नहीं है, बट आगे भी अपलोड हो जाएगा। ओके, इलेक्ट्रिकल के लिए, इलेक्ट्रिकल वाले ये सिलेबस आप देख सकते हैं, इसका PDF भी आपको वेबसाइट पे मिल जाएगा, आप या अभी तक मिल भी गया होगा। ओके, टोटल क्वेश्चन जो देखिए क्वेश्चन पेपर जो है वो इंग्लिश और गुजराती लैंग्वेज में होने वाला है, जो कि 100 क्वेश्चन रहेगा और 100 मार्क्स के लिए रहेगा, जिसमें 60 मार्क्स आपका टेक्निकल सब्जेक्ट से रहेगा, मैकेनिकल है तो मैकेनिकल से, इलेक्ट्रिकल है तो इलेक्ट्रिकल से। ओके, देखिए एक चीज यहाँ पे लिखा हुआ है, कास्ट रोस्टर कैटेगरी सर्टिफिकेट ऑफ गुजरात स्टेट विल ओनली बी कंसिडर, जो गुजरात स्टेट से होंगे उनका ही कंसिडर किया जाएगा कास्ट सर्टिफिकेट, दूसरे का नहीं किया जाएगा। ठीक है, यहाँ पे देख सकते हैं लिखा है मिनिमम 85% जो सीट जो है वो रिप्रेजेंटेशन इन सिलेक्शन विल बी लोकल रेसिडेंट गुजरात स्टेट के हैं, जिनके पास गुजरात का डोमिसाइल होना चाहिए, और 85%
हाँ 85% कोटा उनके लिए है। तो यहाँ पे एक देखिए लिखा है, द कैंडिडेट ऑफ गुजरात स्टेट आर एडवाइज टू गेट रेडी द डोमिसाइल सर्टिफिकेट इश्यू बाय कंपिटेंट अथॉरिटी। तो उनको लिए डोमिसाइल जरूरी है, उनको रेडी रखना है, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में जरूरी होगा। तो आप में से कोई अगर गुजरात स्टेट के कौन कौन से हैं नीचे कमेंट्स में आप लोग जरूर बताइएगा। और यहाँ जो इसका सेंटर है तो सेंटर भी ऑल ओवर गुजरात में होगा, गुजरात का कोई भी सेंटर मिल सकता है। तो जितना इम्पोर्टेंट चीज़ें हैं वो आपको सारे चीज़ें बता दिया हूँ। रिक्रूटमेंट प्रोसेस जो है ऑनलाइन है, एग्ज़ाम होगा, उसके बाद आपका रिजल्ट बनेगा। ओके, आपको आंसर की भी दिया जाएगा, आप उसको जो अगर क्वेश्चन कोई ऑब्जेक्शन है किसी क्वेश्चन में तो उसको रेज भी कर सकते हैं 3 डेट के अंदर, ये भी पहले से ही लिख दिया हुआ है। ओके, अब थोड़ा सा बीटेक वालों के लिए बात कर लेते हैं। तो उनका सिर्फ सैलरी जो है फर्स्ट ईयर 37,000 है जूनियर इंजीनियर पोस्ट के लिए, सेकेंड ईयर से लेके फिफ्थ ईयर तक 39,000 है। और इसमें भी बाकी अलाउंसेस टीए डीए ये सब एक्स्ट्रा अलग से नहीं मिलने वाला है, ठीक है। बाकी सारा चीज़ कैटेगरी जो है 35 ईयर 40 ईयर एज क्राइटेरिया वो सेम ही है, यहाँ पे सारे चीज़ें सेम है, बस इनका सिलेबस जो है वो अलग है। यहाँ पे भी देखिए रोस्टर रिजर्वेशन दिया हुआ है, तो यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं। ओके, फी जो है देखिए इसमें भी 500 और 250 ही है, और ये भी उसी साइट पे जाना है आपको। 25 तारीख से लेके 14 सितंबर से पहले आपको फॉर्म को फिल कर लेना है बीबीटेक वालों के लिए भी। ओके, और सारे चीजें एज क्राइटेरिया सारे एलिजिबिलिटी जो है डिप्लोमा और बीबीटेक के लिए सेम है। इसमें बस देखिए सिलेबस का एक एग्जाम पैटर्न अगर बता दूं, यहाँ पे भी ऑनलाइन मोड होने वाला है। विद्युत सहायक जूनियर इंजीनियर इलेक्ट्रिकल के लिए 10% जनरल नॉलेज, इंग्लिश लैंग्वेज 10% और 60% क्या है आपका टॉपिक से आपका सब्जेक्ट का रहेगा टेक्निकल। ओके, तो ये सब इलेक्ट्रिकल का सिलेबस दिया हुआ है, और कंप्यूटर नॉलेज भी 10% रहेगा, गुजराती लैंग्वेज भी 10% रहेगा, वही है डिप्लोमा का जैसा है वैसा ही। तो आपको एक बार मैकेनिकल का भी बता दूं सिलेबस, मैकेनिकल का इसमें सिलेबस अलग क्या है, इसमें एक इंजीनियरिंग मैथमेटिक्स पढ़ना है जो कि एक्स्ट्रा है, अप्लाइड मैकेनिक्स एंड डिजाइन पढ़ना है, मैकेनिक्स पढ़ना है, मैकेनिक्स ऑफ मटेरियल यानी सॉम स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल जिसको आप लोग बोलते हैं, थ्योरी ऑफ मशीन वाइब्रेशन मशीन डिजाइन ये भी पढ़ना है। इसमें वाइब्रेशन जो है थोड़ा अलग आ गया है। फ्लूड मैकेनिक्स एंड थर्मल साइंसेज जो है फ्लूड मैकेनिक्स हीट ट्रांसफर थर्मोडाइनमिक्स अप्लीकेशन ये भी चीज़ें हैं। तो आप बीबीटेक से अप्लाई कर रहे हैं या डिप्लोमा पे, अगर आप हमारे टुटलेक एकेडमी अप्लीकेशन पे कोर्स ज्वाइन करना चाहते हैं तो दोनों के लिए एक ही कोर्स है, एक कोर्स ज्वाइन करके आप एग्जाम क्रैक कर सकते हैं। उसमें आपको देखना है कि कौन सा टॉपिक पढ़ना है, जो टॉपिक नहीं आ रहा उस टॉपिक को आपको छोड़ देना है, जो टॉपिक जिसके लिए आ रहा उस टॉपिक को आपको पढ़ लेना है। ओके, तो ये सारे इसका मैकेनिकल का मैन्युफैक्चरिंग और इंडस्ट्रियल इंजीनियरिंग का भी ये सिलेबस है, यहाँ पे लिखा हुआ है, तो ये आप देख सकते हैं। तो ये आपके लिए बेस्ट अपॉर्चुनिटी रहेगा। तो सारा चीज़ें जो भी इम्पोर्टेंट था वो सब चीज़ें आपको बता दिए हैं यहाँ पे। इसके अलावा कुछ भी डाउट हो, कुछ क्वेरी हो तो आप कमेंट्स कर सकते हैं, आपको रिप्लाई जरूर किया जाएगा। ओके ओके, और एक लास्ट बात जो है वो जो बीबीटेक कैंडिडेट हो या डिप्लोमा वो पास आउट होना चाहिए, अपियरिंग वाले एलिजिबल नहीं है, एक जगह लिखा हुआ है आप देख सकते हैं। ओके, तो आप अगर गुजरात स्टेट से हैं तो बहुत ही ज़्यादा अच्छा आपके लिए अपॉर्चुनिटी है। अगर अदर स्टेट भी हैं तो अच्छी खासी 15% भी सीट है, जिसमें सीट ज़्यादा है, जो कि सीट आगे चल के बढ़ भी सकता है बताया गया है। अगर नहीं भी बढ़ता है, इतना ही मानकर चलते हैं, तो सीट है अच्छा खासा 15% में भी आपको फॉर्म को अप्लाई करना चाहिए, क्योंकि ऐसे भी वैकेंसी उतनी ज़्यादा नहीं आ रही है। तो जहाँ जहाँ भी वैकेंसी आती है आप फॉर्म को फिल जरूर करें, और डिप्लोमा वाले कैंडिडेट हैं तो डिप्लोमा से फॉर्म ज़्यादा फिल करने की आप कोशिश करें, ताकि आप उसमें कंपटीशन कम हो सकता है। बाकी आपकी च्वाइस है, अगर बीबीटेक के पोस्ट पर जाना चाहते हैं तो और अच्छी बात है, आपकी प्रिपरेशन अच्छा है तो और ज़्यादा अच्छी बात है, बीबीटेक से ही जरूर आप अप्लाई करें। ओके, हाँ, और ऐसे भी आप बीबीटेक प्लस डिप्लोमा है दोनों चीज़ें हैं तो आपको बीबीटेक वाला पोस्ट ही अप्लाई करना पड़ेगा, डिप्लोमा आपके पोस्ट पे अप्लाई नहीं कर सकते अगर बीटेक आपका कंप्लीट हो गया है तो। ओके, तो सारे चीज़ें मोटा मोटी जो भी था वो आपको बता दिया हूँ। इसके अलावा कोई भी क्वेरी हो तो आप नीचे कमेंट्स कर सकते हैं, इस वीडियो को शेयर कीजिएगा अपने दोस्तों के बीच और लाइक जरूर कीजिएगा। ओके, चलो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।